दोस्तों, सतत संघर्ष ऐसे लोगों की वास्तविक कहानी है जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष में शिक्षा को एक हथियार की तरह अपनाया और उदाहरण बन गए। इस डॉक्यू ड्रामा श्रृंखला में वास्तविक चरित्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी पेश की गई है। और साक्षरता अभियान के तहत महिलाएं शुरू में तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको काफ़ी प्रयास किया गया, नुक्कड़ नाटक दिखाया गया उनको जागरूक करने के लिए। तो धीरे धीरे महिलाएं जागरूक हुई और फिर पढ़ना शुरू की। तो उसमें एक अमीना खातून भी थी जो कि पढ़ती थी, काफ़ी प्रयास के बाद निकली थी। काम, ये आधा है, इसको पूरा कर रहे हैं ना इस तरीका से। और देखिए ऐसे आप अंतसिया स्वास्थ्य के विषय में एक हम क्या कहते हैं कविता सुनाने जा रहे हैं, ठीक है। गुड़िया गुड़िया रानी को लगी बुखार, गुड़िया रानी को लगी बुखार, लाओ दवाई जाकर बाजार, लाओ दवाई जाकर बाजार, दुकानदार दे दो इसे पुड़िया। मास्टर जी, ये उस्मान भाई की बीवी है अमीना भी, बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे भी पढ़ना है और अब शर्म लग रही है। आओ बैठो, शर्माने की क्या बात है, यहाँ बाकी लोग बहुत आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। बगल वाले के साथ में बैठो, कल किताब और स्लेट ला देंगे, बैठो। आओ ना, बैठो। बैठने के बाद में कविता दोहराइए, इधर बैठिए। गुड़िया रानी को लगी बुखार, दोहराइए। गुड़िया रानी को लगी बुखार, लाओ दवाई जाकर बाजार। पढ़ने के बाद में उनको अक्षर का ज्ञान हुआ और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा तो नहीं सीख पाई थी, लेकिन फिर भी नाम पता वगैरह लिख पाती थी, हिसाब हल्का फुल्का बना लेती थी। तो इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद पढ़ने के बाद कुछ ऐसी अकस्मात घटना हुई और उनके पति का देहांत हो गया। अमीना, तुम तो नाइट स्कूल में पढ़ लिख कर मास्टर नहीं बन जाओगी। चलो अच्छी बात है, कम से कम मेरे नहीं रहने पर भी बच्चों की ठीक ठाक परवरिश तो कर सकती हो। गुड़िया गई अपनी ससुराल, गुड़िया गई अपनी ससुराल, लेके अपने कलम कुदाल, लेके अपने कलम कुदाल। कलम कुदाल कौन लेके गई? गुड़िया रानी। गुड़िया कहाँ गई? ससुराल। ससुराल गई। बहू जी। अबू, बच्चों ने खाना खा लिया क्या? जी, बच्चे खाकर सो गए हैं। तुम भी खा लो अमीना, क्या हालत बना ली है तूने।
उस्मान को मरे 6 महीने हो गए। मेरा क्या, आज हूं कल नहीं। तुम अपने बारे में तो सोचो। अभी उम्र ही क्या है, कैसे काटोगी इतनी बड़ी जिंदगी? दो दो बच्चों की परवरिश कहां से करोगी इतना? महमूद को तो जानती हो, उस्मान का खाला जात भाई लगता है। मिला था कुएं पे, कह रहा था कि बस उसका जिक्र नहीं करे तो अच्छा है। लेकिन बेटा ऐसे कैसे चलेगा, खेतों में तो 6 महीने का विधान नहीं होता, और अब मजदूरी करने की ताकत मुझ में भी नहीं रही। देखिए अल्लाह की क्या मर्जी है। वो तो ठीक है, मेरे बेटे का जनाजा। ठीक नहीं हुआ बेचारी, दो छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ा ससुर, दूसरी शादी भी तो नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? मान लो अगर अमीना के पति उस्मान भाई की जगह अमीना की मौत हो जाती तो क्या उस्मान भाई दूसरी शादी नहीं करते? क्यों नहीं करते? मुसलमानों में पहले बीवी के होते हुए दूसरी शादी हो सकती है। शांति, अमीना ने तो साक्षरता अभियान के दौरान पढ़ना लिखना सीखा है ना? हाँ, क्यों ना हम उसे। अरे यही तो मैं भी सोच रही थी, क्यों ना हम उसे बहिरा आश्रम वाले भाई साहब से मिलवा दे। वो भाई साहब कोई महिला समिति की बात कर रहे थे ना, तुझे याद है? हाँ, वो पावर रूम वाली बात। हाँ हाँ, वो कह रहे थे क्यों ना उसे भी आज आश्रम ले चले। ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं जब घर से आऊंगी ना तो उसे लेते हुए आऊंगी। आप भी तैयार होकर जल्दी आ जाइएगा। अरे मैं तो तैयार हूँ, बस बच्चों को खाना खिलाना है। पता नहीं भाई साहब समिति में क्या बात करेंगे। कह रहे थे कुछ के साक्षरता अभियान में जिन लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा है उन्हें कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिलवाएंगे, कपड़ा बुनने का और पता नहीं क्या है। वहीं जाकर पता चल जाएगा। मैं चलती हूँ, आप जल्दी आइएगा। नहीं नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा, बाहर जा रही हो? हाँ अबू, आज बहरा आश्रम वालों की मीटिंग है, मैंने भात बना दिया है, आप बच्चों को खाने के लिए पूछ लीजिएगा। बहू, तुम अब घर से बाहर जाओगी? अबू, आप पूछ रहे थे ना कि ये सब कैसे चला पाओगी, तो मैंने सोच लिया है
मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, अपने बच्चों की भी और आपकी दोनों की परवरिश करूंगी मैं। इस तरह घर से बाहर जाकर? बाहर क्या, कहीं भी जाऊंगी मैं। ये गांव और समाज के लोग? लोगों का क्या, सलीम के अब्बू के इंतकाल के बाद क्या किसी ने कभी पूछा हमें कैसे चल रहा है, क्या खा रहे हो? अमीना, अरे तुम तैयार नहीं हुई, मुझे भी देर हो गई। जल्दी करो, भाई साहब कब के पहुंच चुके होंगे, ऊपर टोले की औरतें भी जा चुकी हैं। अच्छा अबू, आप बच्चों को समय पर खिला दीजिएगा और आप भी खा लीजिएगा। अच्छा चाचा, आओ। सलाम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम महमूद, आज इधर कैसे? जी बस आपकी खैरियत जानने चला आया था। बचा ही क्या है बेटा, कहाँ तो मैं कब्र की राह चलने को था और कहाँ। हिम्मत रखिए चाचा जान, उस्मान की मौत ने तो हम सभी को तोड़ दिया है। रहने दो बेटा, जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा, चलो घर चलो। नहीं नहीं चाचा जान, बस आपसे मुलाकात हो गई, रास्ते में भाभी भी मिली थी, शायद कहीं बाहर जा रही थी। वो भी क्या करे, अब घर में बैठ के जख्मों के साथ आंसू बहाने से तो पेट नहीं भरेगा ना। बच्चों के साथ मेरी परवरिश का जिम्मा भी उसी के जिम्मे है। चाचा जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ कहो चाचा जान। मैं अमीना भाभी से निकाह करना चाहता हूँ। साक्षरता से उनमें एक जागरूकता आई और वे महसूस करने लगे कि उन्हें भी कुछ कमाने की आवश्यकता है, समाज में मतलब उनका भी एक महत्व है। तब फिर हम लोगों ने पावर ये देखने लगे हम लोग कि क्या रोज़गार हो सकता है। काफ़ी हम लोगों ने अध्ययन किया और फिर हम लोग ने देखा तो ऐसा लगा कि पावर लूम से उनको ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। अभी तो अच्छा चल रहा है लेकिन महिलाओं को काम देना बहुत जरूरी है। मालती, मुझे तो भाई साहब की बात समझ में नहीं आती, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? सीधी सी बात है, 10-10 रुपया हफ्ता जमा करना है, जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो कपड़े बुनने की मशीन आ जाएगी। यही बात तो मुझे समझ नहीं आती, 10-10 रुपये में कपड़ा बुनने का मशीन इतनी सस्ती आती है क्या? नहीं ना शांति, जब भाई साहब बता रहे थे तो कहाँ था तुम्हारा ध्यान? बोले नहीं कि वो हम लोगों को ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर बैंक ऋण देगा, उसी से तो मशीन आएगी। मालती आपा, हम मीटिंग में तो आ गए लेकिन डर भी लगता है, पता नहीं हमारी जात बिरादरी वाले क्या बात बनाएंगे, क्या बोलेंगे। अरे कोई किसी को खाने को देता है क्या? मैं तो कहती हूँ तुम ये सब उल्टी सीधी बातें सोचना बंद करो, तुम्हारे बच्चों को कोई और पाल देगा क्या? हाँ अब तो पालना ही होगा, जाने क्या क्या सपने देखे थे इनके अब्बू ने, खुद तो पढ़ लिख नहीं सके, कम से कम बच्चों को जाहिल नहीं होने देंगे। अमीना ऐसे हिम्मत नहीं हारते, सपने भी पूरे होंगे और बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हाँ अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो फिर क्या कर पाओगी। शुरू में तो उन्हें प्रशिक्षण दिया गया क्योंकि यहाँ पहले पावर लूम का काम नहीं होता था,
और गांव के लोग पावलों के बारे में जानते नहीं थे, तो प्रशिक्षण के लिए कुछ हम लोगों ने पावलों यहाँ पर लाया। और फिर बाद में प्रशिक्षण के दौरान चूँकि वो महिलाएँ गाँव से आती हैं और वो कुछ न कुछ घर में भी अपना काम करती हैं, तो उनको कुछ तो छात्रवृत्ति के रूप में चाहिए था, तो वो मतलब DRDA से संपर्क करके उन्हें छात्रवृत्ति दिलवाया गया। ये प्रशिक्षण 6 महीने का हुआ। प्रशिक्षण हम लोग का यहीं से पाया गया है, तो फिर यहीं पर हम लोग आए, यहीं पर सीखे हम लोग, उसके बाद हम लोग कमा खा रहे हैं अपने। हम 5 दिन फूदना बनाए वहाँ पर जाके बहरा आश्रम में, 5 दिन फूदना बनाए तौलिया में, 5 दिन के बाद हमरा दे दिए मशीन पर काम। हमारा पति जब इनकाल कर दिया तो हम अपने कमाने निकले, तो हम अपना पैर पर हैं, तो बच्चों भी सोचता है, अपना संसार भी चलाने सोचता है, सब कुछ तो अपने ही नहीं करने पड़ता है सर। बेटा मैंने तो कहा था, उसने बात ही नहीं किया, अब तुम ही बात करके देख लो ना। चाचा जान, मैंने हल्का सा इशारा किया था उसे, लेकिन तब की बात मैं समझता हूं, तब उस्मान भाई को गुजरे मुश्किल से 1-1.5 महीना ही तो बीता था। सलाम भाभी जान। सलाम। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यहीं कहीं होंगे, मैं देखता हूँ। सलीम ने तो खाना भी नहीं खाया। आपने खा लिया? मैं भी बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, महमूद आ गया। तुम बैठो, मैं आता हूँ। भाभी जान, कुछ सोचा आपने? सोचना क्या है, जो तकदीर में है वही होगा। मैं निकाह की बात कर रहा था। देखो महमूद, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इनके गुजरने के बाद जो भी कमी बेसी पड़ी उसमें तुमने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? दूसरा निकाह नहीं करते क्या? करते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरे ससुर, ये ज्यादा जरूरी है। भाभी जान, अगर मैं उन्हें भी अपना लूं तो? देखो महमूद, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और देखो आइंदा तुम निकाह की बात मत करना, और आगे से तुम यहां आना जाना भी मत।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग हम पर उंगली उठाएं। पहले यहाँ था कि महिलाएं कुछ अपने स्तर से खरीद नहीं पाते थे, बाज़ार में खुद नहीं जाते थे, उनके पति हैं तो उनके बच्चे के लिए वो खरीद करके कुछ लाते थे, या उनकी साड़ी भी खरीदनी होती थी तो उनके पति ही खरीद कर ले आते थे। लेकिन जब वो कमाने लगी तो बाज़ार जा कर के जो उनको जो पसंद आता है वो चीज़ खरीदने लगी महिलाएँ, और साथ ही साथ मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति ज़्यादा वो जागरूक हुई। हमने स्कूल का बस्ता खरीदना है, बच्चों का बस्ता फट गया है, चलो फिर ऐसा करो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलो हाँ, काम पे लग जाएंगे। बैठ जाओ। क्या लाया आज? क्या लाया खाने के? खाने के लिए लाए खोल क्या लाया खोल लीजिए दीदी पढ़ाई प्लेट, पहले तो बिल्कुल भी खाने का नहीं था, थोड़ा साक्षरता में पढ़े, पावर लूम का काम मिला तो खान पीन का खर्चा तो चल जाता, पर और कमाने का है, इसलिए अब गाय लिए है लॉन से। कितना मिली? 3,000 मिली, थोड़ा दे के चुकाना है हमको, लेने के भाइये नहीं है तो क्या करें हम, पैसा हम लोग चुका नहीं पाएंगे तो। अब तुम तो जानती हो हमारे आदमी नहीं है, घर में 2 बच्चा है, बूढ़े ससुर हैं, उनको भी तो पालना जरूरी है ना, बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, इसलिए ये काम किए, अब तो हम सब कर लेते हैं, हमारी परेशानी कम हो गई है पहले से। बच्चा पढ़ता है वही अभी तो सब हो जाएगा। अच्छा अब जल्दी जल्दी खाना खाओ, हाट को जाना है ना शाम को, जल्दी काम ले। मैं फिर उसी के बारे में सोचने लगा, मैंने तो तरस खाकर, नहीं शायद मैं भी उससे, कितनी तहजीब है उसमें, पहली बार उस्मान भाई साहब के निकाह के थोड़े ही दिन बाद कैसे कैसे खिलखिलाकर हंसती थी, और अब कैसी मुरझा सी गई है वो। ओफ, मैं फिर उसी के बारे में सोचने लगा, और वो शायद एक बार और बात करनी चाहिए मुझे। अमीना खातून, निजाम मियाँ की बहू। वाह, बहू क्यों, बेटी क्यों नहीं, शायद इससे भी ज्यादा इतना ख्याल रखती है अपने बच्चों जैसा। महमूद की बात मान लेती तो शायद ज्यादा खुश होती। हाँ, आता हूँ मैं अभी। बेटा कल तुम महाराजगंज घाट आओगे? हाँ हाँ जरूर, चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आओ हम चलो। सलाम भाभी जान। सलाम महमूद, कहाँ थे इतने दिन, दिखाई भी नहीं पड़े। जी मैं झुमरी तलैया में हूँ, दीवान साहब का ट्रक चलाता हूँ। और शादी वादी की कि नहीं? खैर छोड़िए सब बातें, मैं आपको बधाई देने आया था। बधाई? जी आपने जो कुछ किया उसके लिए बधाई तो दे सकते हैं।
आपने शुरुआत की और आज गांव की कितनी महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं। आपने सिद्ध कर दिया कि आप कमजोर नहीं है। अच्छा अब छोड़ो इन सब बातों को और घर चलो, चलकर चाय पी लेना और बच्चों से भी मिल लेना। आओ चलो। चलिए। अपना कमाती है, खाती है, रहती है, इतना गांव घर में इज्जत होता है कि सुख पास हाथ फैलाने नहीं पड़ता है। कहीं अपना काम किया तो दवा से मैनेजर से बोलता है हमको पैसा दो, हमको इस चीज़ में कमी हो गया है, ये चीज़ काम लगाना, बच्चा बीमार पड़ा है ना, तो उसको पढ़ाने लिखाने का कम पैसा पड़ा है, दो हमको। हम लोग मैनेजर से मांग के लेते हैं और बच्चा लोग को भी स्थिति देखता है, अपना भी स्थिति देखता है और अपना संसार हम देख रहा है अकेला कमा कर। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो कि मतलब अपना घर का जो है सो खर्च पति के रहते हुए भी वो साथ में मिल करके काम करती हैं और मतलब रोजगार कर रही हैं। कुछ पावरलूम ही ऐसा नहीं है, खेतों में भी जा करके मिलजुल करके काम करती हैं, कालीन विभाग में काम करती हैं और कुछ अनौपचारिक शिक्षण केंद्र है उसमें काम करती हैं, तो इस प्रकार से काम तो कर ही रही हैं। लो बेटा लगा लो इसे। आज तुम्हारे लिए खाने में रोटी और मीठा गुड़ रखा, स्कूल में खा लेना समय पर। ए रोंदू शक्ल, स्कूल मत जाओ, आज शाम को तुम्हारे लिए पेंसिल ले आएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो।